इसमें बात करेंगे सीड की। सीड क्या होता है, ग्रेन क्या होता है। सीड को बीज कहते हैं और ग्रेन को अनाज कहते हैं। सीड जो है वो मैच्योर ओव्यूल होता है और ये हार्वेस्टेड फॉर सोइंग पर्पस, मतलब सोइंग पर्पस के लिए हार्वेस्ट करते हैं, बोने के लिए हार्वेस्ट करते हैं। और ये जो होता है मैच्योर ओव्यूल कहते हैं, सीड कहते हैं। सीड इज ओव्यूल कंटेनिंग एन एम्ब्रायो, जो मैच्योर एम्ब्रायो कंटेन करता है सीड। और ग्रेन क्या होता है, तो ग्रेन जो है इज ए स्मॉल इडिबल फ्रूट। ये इडिबल फ्रूट होता है, यूजुअली हार्ड ऑन आउटसाइड, बाहर से हार्ड होता है, और हार्वेस्टेड फॉर ईटिंग पर्पस, ये खाने के लिए हार्वेस्ट किया गया होता है। और ये जो होता है इमैच्योर होता है, इमैच्योर ओव्यूल होता है, इसलिए इसको ग्रेन कहते हैं। अब बात करेंगे क्लासिफिकेशंस की। क्लासिफिकेशन ऑफ सीड, क्लासिफिकेशन में सीड क्लासिफिकेशन में तीन सीड्स होते हैं, तीन प्रकार के। पहला होता है ब्रीडर सीड, दूसरा फाउंडेशन सीड, और तीसरा सर्टिफाइड सीड। ब्रीडर सीड जो होता है वो है कि इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी एंड स्पॉन्सर ब्रीडर रिकॉग्नाइज बाय सिलेक्टेड स्टेट एंड सीड कॉरपोरेशन एंड नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। ये जो है नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन और कुछ कुछ एजेंसियों द्वारा इसे प्रोड्यूस किया जाता है। इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा भी प्रोडक्शन किया जाता है। और ब्रीडर सीड जो होता है न्यूक्लियाई सीड से आता है, उससे प्रोड्यूस होता है, उसका ही प्रोजनी होता है। और फाउंडेशन सीड जो है, फाउंडेशन सीड द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ प्रोडक्शन फाउंडेशन सीड हैज़ बीन इंस्ट्रस्टेड टू द NSC, SFCI एंड स्टेट सीड कॉरपोरेशन, स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड प्राइवेट सीड प्रोड्यूसर्स, इनके द्वारा ये प्रोड्यूस किया जाता है। सर्टिफाइड सीड प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्वालिटी एंड सर्टिफाइड सीड्स इज प्राइमरली द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट। इसका स्टेट गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सर्टिफाइड सीड को प्रोड्यूस एंड डिस्ट्रीब्यूट करना। ये तीनों जो आते हैं वो एक से दूसरा आता है। जैसे न्यूक्लियाई सीड जो मेन सीड होता है उससे ब्रीडर सीड आता है, ब्रीडर सीड से जो है फाउंडेशन सीड आता है, फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड आता है। तीनों एक दूसरे से प्रोजनी है। सबसे बड़ा न्यूक्लियर सीड सबसे पहले, उसके बाद ब्रीडर, उसके बाद फाउंडेशन एंड सर्टिफाइड, ये तीनों मेन माने जाते हैं। ब्रीडर सीड के बाद ब्रीडर सीड से ही फाउंडेशन सीड, फाउंडेशन सीड से सर्टिफाइड सीड। अब आते हैं मेथड्स ऑफ सोइंग। सोइंग के 6 मेथड्स हैं, जिनमें से पहला है डिबलिंग। डिबलिंग जो है, डिबलिंग मशीन जो आप देख रहे हैं इसके द्वारा ही, डिबलिंग द्वारा ड्रिल करके सीड को बोया जाता है। ब्रॉडकास्टिंग जो है, ब्रॉडकास्टिंग मेथड में किसान अपने हाथ से छिटका बुआई इसको कहते हैं, फैला करके बीज को बुआई करता है। ड्रिलिंग जो है, ड्रिलिंग मशीन के द्वारा बुआई होता है, जो कि ट्रैक्टर आदि में लगे होते हैं। और ट्रांसप्लांटिंग, ट्रांसप्लांटिंग जो है ऐसे ट्रांसप्लांट किए जाते हैं जैसे धान में किया जाता है, एक जगह बो करके वो थोड़ा बड़ा हो जाए तो फिर दूसरे जगह बोया जाता है। अब प्लांटिंग, प्लांटिंग जो है किसी भी प्लांट को प्लांट करने को प्लांटिंग कहते हैं, एक जगह बोने। और स्विंग बिहाइंड, छठा है स्विंग बिहाइंड द कंट्री प्लग। कंट्री प्लग मतलब हल, हल के बगल से जो बीज को बोया जाता है उसको कहते हैं स्विंग बिहाइंड द कंट्री प्लग सिस्टम। ये जो मेथड्स है, 6 मेथड्स है पूरे, ड्रिलिंग, डिबलिंग, ब्रॉडकास्टिंग, ट्रांसप्लांटिंग, प्लांटिंग एंड सोइंग बिहाइंड कंट्री प्लग। अब आते हैं फैक्टर्स इन्वॉल्व सोइंग मैनेजमेंट। कौन कौन से फैक्टर सोइंग मैनेजमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, वो पहला आता है मैकेनिकल फैक्टर, इसको इन्वायरमेंटल फैक्टर भी कहते हैं। दूसरा बायोलॉजिकल या बायोटिक फैक्टर आता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में डेप्थ ऑफ सोइंग, सीड साइज एंड वेट, इमर्जेंस हैबिट, मतलब किस प्रकार से इमर्ज होता है या किस प्रकार से सीड जर्मिनेट करता है, सीड बेड टेक्सचर,
सीड बेड का टेक्सचर क्या है, सीड सॉइल कॉन्टैक्ट, सॉइल का सीड से कॉन्टैक्ट कैसा है, सीड बेड फर्टिलिटी, सीड बेड का फर्टिलिटी कैसा है, सॉइल मॉइस्चर, सॉइल में कितना नमी है, ये डिपेंड करता है, इससे इफेक्ट होता है। कंपेनियन क्रॉप बायोलॉजिकल फैक्टर में आता है, कंपेनियन क्रॉप मतलब दो क्रॉप्स के बीच तालमेल कैसा है, वो एक दूसरे का कैसा इफेक्ट कर रहा है। कंपटीशन ऑफ लाइट, कंपटीशन कैसा है दोनों के बीच, लाइट को लेकर मतलब जगह कितनी है दोनों के बीच स्पेस के लिए ताकि लाइट एक दूसरे को प्रॉपर प्रोवाइड हो सके। तीसरा सॉइल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सॉइल में माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कितनी संख्या है, इससे सॉइल की फर्टिलिटी इफेक्ट होती है। सॉइल मैनेजमेंट स्विंग पर्पस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसीलिए